दोस्तों YouTube एक ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम किसी भी समय अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अपने मनपसंद गाने से लेकर मूवीज देखने से लेकर ऐसी कई चीजें हैं जिसे ये प्लेटफॉर्म हमारे टाइम पास का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मीडियम बन चुका है। वैसे दोस्तों YouTube का ये एक ऐसा सेक्शन होता है लर्निंग का, जहाँ हमें कुकिंग से लेकर योगा और टेक्नोलॉजी तक कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वैसे कोई भी अच्छी चीज़ सीखना बुरी बात नहीं है, पर अगर कुछ प्रोफेशनल्स की बात करें तो उसमें कई सालों की पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ती है। यूं ही कोई YouTube से सीखकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर नहीं बन सकता। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी महारथी मौजूद हैं जो YouTube से कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बटोर लेते हैं, फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर हम आपको बताएं कि कुछ लोगों ने YouTube से नकली नोट छापना सीखकर मोटी कमाई की है तो आप क्या यकीन करोगे? जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने YouTube से मिली लर्निंग का इस्तेमाल बड़े शातिर तरीके से किया। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सिरफिरे लोगों की किस्से सुनाने वाले हैं जिन्होंने YouTube से सीखकर घर में नकली नोट छापना शुरू कर दिया और उन नोटों को मार्केट तक भी फैला दिया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर। जबलपुर, ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है, जहां नरेश आसवानी नाम का एक शख्स अपने ही घर में नकली नोट छापने का कारोबार करता था। ये काम उसने YouTube से सीखा था और उन नोटों को वो अपने पास के ही ग्रामीण इलाकों में खपा देता था। लेकिन पाप का कारोबार कब तक फलता फूलता है, और नरेश के साथ भी वही हुआ। एक मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू की और नरेश नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल भी किया। बाद में जब पुलिस ने उसके घर पर छापामारी की तो दो कलर प्रिंटर, लगभग 25,000 के नकली नोट, एक ग्रीन टेप जो नोटों पर लगाया जाता था, और एक सांचा जब्त किया गया। बता दें ये बिल्कुल ताज़ा मामला है, आगे की पूछताछ अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। जहाँ एक तरफ लोगों ने लॉकडाउन में यूट्यूबर से खाना बनाना, कपड़े डिजाइन करना, पंचर बनाना सीख लिया, वहीं नरेश ने पिछले लॉकडाउन से ही नकली नोट बनाने का हुनर भी सीख लिया था और यह कारोबार भी शुरू कर दिया। गोरखपुर, दोस्तों अब हम आपको एक मामला और बताने जा रहे हैं जिसको बीते 5 साल हो गए। ये मामला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर पुलिस ने एक नकली नोटों का रैकेट का फंडा फोड़ दिया है। गोरखपुर पुलिस की एक मुखबिर द्वारा सूचना दिए जाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 54,200 रुपए के नकली नोट और नोट बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति ने यूट्यूब से सीखा था हाउ टू मेक फेक करेंसी, और फिर इसने भी नोट बनाने का धंधा शुरू कर दिया और काफी नोटों को बाजार में चला भी दिया दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन्हें जेल जाना पड़ा। दिल्ली, दोस्तों नकली नोटों का काला धंधा करने में हमारे देश की राजधानी भी अछूती नहीं है। दरअसल दिल्ली में रहने वाले अनमोल ने पुलिस को बताया कि उसने यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखा था। फरीदाबाद पुलिस ने भी आरोपी के पास से लगभग 17 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए, साथ ही कलर प्रिंटर और स्कैनर भी बरामद किया। अनमोल अपने घर पर ही नकली नोट बनाता था। दोस्तों इसकी नकली नोट के असली में बदलने की तकनीक भी कमाल की थी। ये रोज अपने घर से निकलता और जैसे ही ऑटो में बैठता तो किराए के तौर पर ऑटो वाले को 100 रुपए का नोट थमाकर 90 रुपए वापस लेता था। फिर किसी दुकान पर जाता, 10-20 का सामान लेता और 100-500 के नकली नोट थमाकर असली नोट से एक्सचेंज कर लेता है। बस ऐसे ही दिन भर में अनमोल 1,000-2,000 का एक्सचेंज नकली नोटों से असली नोटों में कर लेता था और इसकी दिन भर की कमाई हो जाती थी। पर इसका ये नकली नोटों का धंधा ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और गुप्त सूचनाओं के आधार पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर अब इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों आगे के मामलों को जानने से पहले हम आपको नकली और जाली नोटों से जुड़े कारोबार के बारे में बताने जा रहे हैं। खुद RBI ने जारी किए हुए आंकड़ों में बताया कि 2020-21 में ही 5.45 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए। ये विगत 5 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले वर्ष 100 से 11,336 जाली नोट पकड़े गए, जिनका मूल्य 1,10,73,600 रुपये। अब अगर 500 के जाली नोटों की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसमें 31.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2020-21 में 500 के 39,453 जाली नोट पकड़े गए। दोस्तों ध्यान रहे, ये संख्या पकड़े गए 500 रुपए नोटों की है, ना कि इसके मूल्य की। इसके अलावा 3,000 मूल्य के 10 रुपए के नोट, 5,340 मूल्य के 20 रुपए के नोट और 1,75,96,000 मूल्य के 2,000 के नकली नोट अब तक जब्त किए जा चुके हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, ये तो सिर्फ नोटों की वो संख्या है जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ऐसे तो न जाने कितने नकली नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे होंगे। वैसे क्या आपको भी कभी किसी ने नकली नोट देखकर बेवकूफ बनाया है?
अगर हाँ तो वो किस्सा हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। चलिए हम अगले मामलों की तरफ बढ़ते हैं। नागपुर। दोस्तों नागपुर का ये मामला काफी चर्चा में रहा। कई मीडिया चैनल्स ने भी इस खबर को कवर किया। आरोपी नीलेश कदवे और रफीक खान ने नकली नोट बनाना यूट्यूब से सीखा था। दोनों की उम्र 24 साल थी और ये दोनों ही घर पर काफी समय से नकली नोट छापने का धंधा चला रहे थे। इन दोनों ने 2 लाख से ज्यादा पैसे मार्केट में सर्कुलेट कर दिए, पर ये नकली नोट मार्केट में ज्यादा फैल पाते तभी नागपुर की क्राइम ब्रांच ने नीलेश और रफीक को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों ही जेल पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब नकली नोटों का जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के रुड़की का है, जहां भगवानपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 27,900 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उन्होंने यूट्यूब से चाली नोट बनाना सीखा था। दरअसल नकली नोट बनाने वाले गिरोह की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ छापेमारी करने की खोज खबर जुटा रही थी। फिर उन्होंने 3 आरोपियों को धर दबोचा। ये भी घर में ही कारोबार कर रहे थे। पुलिस के द्वारा उनके घर से 100 रुपए के 150 नकली नोट और 50 रुपए के 258 नकली नोटों के अलावा स्कैनर, कलर प्रिंटर, पेपर कटर सहित कई चीजें बरामद की गई। दोस्तों इस मामले में एक खास बात सामने आई है। इसमें से एक आरोपी जिसका नाम संजय था, वह पहले से नकली नोट बनाने के आरोप में जेल जा चुका था। पकड़े गए जय और रमेश भगवानपुर और सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे अब हरिद्वार तक और सहारनपुर जिले के 4 लाख रुपए के नकली नोट चला चुके हैं। ये गरीब मजदूर और अनपढ़ लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जालौन। दोस्तों हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा अजीब और गरीब है। जालौन निवासी धर्मेंद्र नाम का युवक लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गया था। वो गाजियाबाद में एक बैग बनाने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के चलते उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब नौकरी क्या गई, उसने अपना दिमाग विपरीत दिशा में लगाना शुरू कर दिया। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाह में उसे नकली नोट छापने वाली गैंग का सरगना बना दिया। इसके बाद उसने औरैया आकर अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र गाजियाबाद में 9,000 रुपए प्रतिमाह कमाता था। काम छूटने के बाद उसने जब से यूट्यूब पर नकली नोट बनाना सीखा बस उसके ऊपर लालच का भूत सवार हो गया। हालांकि एक दिन ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे युवक ने धर्मेंद्र को 500 रुपए का नकली नोट थमा दिया था, लेकिन उस आदमी ने नकली नोट पहचान लिया। इसके बाद दोनों के बीच बहुत कहा सुनी भी हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने पैसे कमाने का लालच देखकर उसे भी अपनी गैंग में मिला लिया। उसके आने से गैंग और भी मजबूत हो गई। धर्मेंद्र की गैंग नोटों को रातों में दुकानों पर, पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों पर चलाते थे, पर इनका खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। एक दिन शराब के नशे में इन्हीं के गैंग के एक आदमी ने इनकी सारी पोल खोल दी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो जांच पड़ताल में और भी कड़ियां जुड़ी पाई गईं, जिसके बाद इस केस में बहुत खुलासे हुए। अंततः पुलिस ने नकली नोट के गैंग को धर दबोचा। गैंग के पास पुलिस को नोट छापने वाला एक कलर प्रिंटर, एक लाल बैग, 2 पाउच पेपर, टेप, कैची और गोंद बरामद हुए। तो दोस्तों ये तो सिर्फ कुछ किस्से थे, ऐसी तो कई घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसलिए सावधान रहना, कहीं आपकी भी जेब में मौजूद नोट भी नकली हो सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी नकली नोट मिल जाता है तो फौरन इसकी खबर नजदीकी पुलिस थाने में दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।